हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2। आज हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, दैट इज़ योर नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो, ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशियंट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, कि अगर जैसे देखो आपके पास रिग्रेशन कोफिशियंट कितने हैं, 2 रिग्रेशन कोफिशियंट आपने पढ़े हैं, एक तो आपका क्या है बी एक्स वाई, एक कौन सा है आपका बी वाई एक्स, ये 2 हमारे पास क्या है, हमारे रिग्रेशन कोफिशियंट है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक रिग्रेशन कोफिशियंट लेती हूँ और उसे ग्रेटर देन यूनिटी के बोलती हूँ, ठीक है, कि अगर मैं दोनों रिग्रेशन कोफिशियंट में से कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ले रही हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट में से कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ले रही हूँ और वो हमारा क्या है ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी यानी कि 1, देन द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी न्यूमेरिकली। तो वो हमें कह रहे हैं कि अगर इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट में से किसी एक को मैं ग्रेटर देन 1 लेती हूँ तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली लेस देन 1 के हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखाना है। तो प्रॉपर्टी हमें कहती है कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो भी हमारे 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, उन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट में से एक अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा लेस देन 1 के होगा। अब देखो प्रूफ में, द 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट आर, मैंने अपने 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट लिए हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये दोनों मेरे क्या हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स से, और बी एक्स वाई को हम किससे डिनोट करते हैं, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई से। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, लेट जो कंडीशन हमें दी है कि हमारे पास कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या है ग्रेटर देन है यूनिटी के, यूनिटी यानी कि 1, तो मैंने क्या किया बी वाई एक्स, बी वाई एक्स को क्या लिया ग्रेटर देन 1। देन अब देखो, अगर ये ग्रेटर देन 1 है और मैं इसका क्या करती हूँ रेसिप्रोकल करती हूँ, यानी कि इसको भी 1 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 1 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा ग्रेटर देन का साइन जो होता है वो क्या हो जाता है चेंज। इट मीन्स अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो बी वाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी वाई एक्स, ठीक है। तो ये ग्रेटर का साइन क्या हो जाएगा लेस देन का, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेंस, अब मैं कह रही हूँ कि जो मेरे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट से। कल मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 कराई थी ना कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो किसके इक्वल होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल ले लिया है आर स्क्वायर के इक्वल ले लिया है बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि हमारे पास जो 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास उनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो किसके इक्वल होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन मैंने किसके इक्वल ले लिया कोरिलेशन कोफिशिएंट के। तो यहाँ पे मुझे अंडर रूट लगाना चाहिए था लेकिन मैंने क्या किया अंडर रूट हटाकर यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दी, क्लियर। तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बेटा आर स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो लिमिट है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा लेस देन होगा। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 या फिर इक्वल 1 के होगा। तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा लेस देन इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी 1 की। इसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी वाई एक्स कहाँ आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, और ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से किसके लेस देन थी 1 के, तो ये पूरी की पूरी टर्म इसके भी क्या हो जाएगी लेस देन 1। तो ये कहाँ से आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, मैं क्या लेट करके चली थी कि हमारे पास अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड वाला क्या होगा लेस देन 1 के होगा, ठीक है। दोबारा से बेटा मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से बता रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्क्वायर के, क्योंकि कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ज्योमेट्रिक मीन हमारा किसके इक्वल होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट के, यानी कि दोनों का ही रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट के बजाय
आर का स्क्वायर किया है, और आर स्क्वायर मेरा लेस देन इक्वल्स टू 1 के होता है क्योंकि हमारे पास कोरिलेशन की लिमिट होती है -1 से 1। तो ये स्क्वायर है तो इसलिए 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो चाहे -1 का स्क्वायर करो आपके पास 1 ही आना है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू किसके होगी, 1 के। तो इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू किसकी होगी, 1 के। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, और ये टर्म इक्वेशन नंबर 1 से लेस देन किसके हैं, 1 के। तो सेकंड वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरा क्या हो गया, लेस देन 1। अब देखो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। देखो फोर्थ में वो हमें कह रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट हमारा ओरिजिन पे तो होता है लेकिन स्केल पर नहीं होता। तो हमें ये सेटिस्फाई करना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट हमेशा हमारे इंडिपेंडेंट ओरिजिन पर रहेंगे लेकिन स्केल पर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ओरिजिन हमारे पास क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये हमारे पास क्या होते हैं, ओरिजिन। और एच और के हमारे पास क्या होते हैं, हमारे स्केल होते हैं, ठीक है ना, स्केल वैल्यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, यू और वी का फॉर्मूला ले लिया। यू का फॉर्मूला क्या ले लिया, एक्स माइनस ए अपॉन एच। वी का क्या ले लिया, वाई माइनस बी अपॉन के। ये फॉर्मूला बेटा यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में पढ़ाया था, जो हमने एग्जांपल्स में भी यूज़ किया था, एक्स माइनस ए अपॉन एच। ए क्या है यहाँ पे, मिडल वैल्यू, और एच क्या है आपके पास, इसका डिफरेंस है। नाउ देन बी यू वी, मैंने यहाँ पर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ले लिया है जिसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में मैं एक्स और वाई की जगह यू और वी ले रही हूँ। देखो आप रिग्रेशन कोफिशिएंट पढ़ते हो ना बी एक्स वाई, तो आप एक्स वाई की जगह यू वी ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बी यू वी इक्वल्स टू आर सिग्मा यू अपॉन सिग्मा वी। चलिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी यू वी का फॉर्मूला लिख लिया, क्या होगा वो, आर सिग्मा यू अपॉन सिग्मा वी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिग्मा वी स्क्वायर का फॉर्म लगाया, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन वी माइनस वी बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप वी की वैल्यू पुट करोगे ये वाली, और यहाँ पे वी बार की वैल्यू पुट, वी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और वी बार की वैल्यू पुट करेंगे। तो डिफरेंस क्या होगा, वी की वैल्यू में जहाँ पर भी वाई है बस वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई बार आ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, देखो वन अपॉन के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसका क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने 1 अपॉन k² क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह जाएगा, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। 1 अपॉन k² मैंने बाहर लिख लिया, 1 अपॉन n समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर मैंने साथ में लिख लिया, और ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा वाई स्क्वायर का। इट मीन्स सिग्मा वी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन k² इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर के। नाउ सिमिलरली जैसे मैंने सिग्मा वी स्क्वायर के लिए निकाला है, वैसे मैं सिग्मा यू स्क्वायर के लिए भी सेटिस्फाई कर सकती हूँ, तो इसके लिए आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिग्मा यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन k² इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है ना, सिग्मा यू स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और सिग्मा वी स्क्वायर की भी। अब हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। मैंने दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, पर हमें यहाँ पे सिग्मा यू की वैल्यू पुट करनी है, तो आप दोनों साइड बस स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है, तो सॉरी अंडर रूट कर देना, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स अपॉन एच, और यहाँ पर सिग्मा वाई अपॉन के। डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैंने क्या किया, रिवर्स करके लिख लिया है, ठीक है। रिवर्स लिख करके लिखने के बाद हमारे पास ये टर्म लेफ्ट रह जाएगी, और ये आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बी एक्स वाई। इट मीन्स बी यू वी हमारा किसके इक्वल आ गया, के अपॉन एच बी एक्स वाई। अब देखो ये जो मेरे पास रिजल्ट आया बेटा, इसमें कहीं पर भी स्मॉल ए और स्मॉल बी तो नहीं है। इट मीन्स कि जो बी यू वी हमारा जो है, जो बी यू वी की वैल्यू मेरे पास आई है, वो इंडिपेंडेंट है ए और बी से, कि यहाँ पर ए और बी की कोई वैल्यू ही नहीं आई है, ए और बी हमारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर नहीं आया है, तो इसका मतलब हमारे पास बी यू वी इंडिपेंडेंट है ए और बी से, पर वो डिपेंड करता है के और एच पे, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे के और एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मुझे बी यू वी की वैल्यू मिलेगी। इसलिए हमारे पास बी यू वी क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है ए और बी से, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है हमारा एच और के पे।
सो सिमिलरली जैसे बी यू वी हमारा की अपॉन एच पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे बी वी यू भी क्या है, इंडिपेंडेंट ए और बी से होगा, पर वो डिपेंड करेगा हमारा एच और के पे. ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4. इसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी क्या कहती है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन. वो कह रहे हैं जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो हमारे क्या होंगे, सेम साइन में होंगे. हमें इसका प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है. ये हमारी प्रॉपर्टी है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हम पढ़ रहे हैं वो हमेशा हमारे सेम साइन में होते हैं. ठीक है, तो बेटा ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, आज आपकी जो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आपने ये करके मुझे वर्क सेंड करना है, और साथ के साथ इसके बाद आपके पास एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 18. ये 18 आप लोगों को आज ट्राई करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है. और अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आएगा या कोई डाउट होगा, देन कल के लेक्चर में आपको एग्जाम्पल नंबर 18 मैं समझाऊंगी. ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों ने. अगर 18 एग्जाम्पल नहीं सॉल्व होता है तो आपने मुझे बताना है, कल मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगी और फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, आपने इनको पढ़ना है, वर्क करना है और ग्रुप में सेंड करना है. एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.